धंधा बंद कर ले वरना सांस लेना भी मुश्किल। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जुआल। दोस्तों जब से दुनिया में कोरोना वायरस का कहर बरपा है तब से हम सब अपने घरों में बैठे हुए हैं। अगर आपको इतने समय में ही बोरियत महसूस होने लगी है तो ये सोचिए हमारे शाहरुख खान पिछले 2 साल से घर बैठे हुए हैं। दिसंबर 2018 में उनकी फिल्म आई थी जीरो, जिसे आनंद एल रॉय ने डायरेक्ट किया था। उसके बाद से शाहरुख ने एक भी फिल्म साइन नहीं की, लेकिन अब खबर आ रही है कि शाहरुख का वनवास फाइनली खत्म होने वाला है, वो भी यशराज फिल्म्स की बड़े बजट की फिल्म के साथ। फिल्म का नाम है पठान, नाम में ही वजन है। वहीं यशराज फिल्म्स की जर्नी की बात करें तो 1970 में अपने भाई बीआर चोपड़ा से अलग होने के बाद यश चोपड़ा ने यशराज फिल्म्स नाम से अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की थी। अगले कुछ दशकों में YRF देश की सबसे बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बन गई। 2012 में यश चोपड़ा के इंतकाल के बाद उनके बेटे आदित्य चोपड़ा इस प्रोडक्शन कंपनी के सर्वे सर्वा बन गए। सितंबर 2020 में यशराज फिल्म्स के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके को धूमधाम से सेलिब्रेट करने के लिए YRF अगले महीने अपने प्रोडक्शन में बनने वाली तमाम फिल्मों की अनाउंसमेंट करने वाली है। अगले महीने घोषित की जाने वाली फिल्मों की लिस्ट में पहला नाम शाहरुख खान की पठान है। फिल्म में शाहरुख पठान नाम का ही किरदार निभाने वाले हैं। ये मास एंटरटेनर फिल्म बताई जा रही है और शाहरुख इस फिल्म को साइन भी कर चुके हैं। वो स्टूडियो के वरिष्ठ लोगों के साथ मिलकर फिल्म के शूटिंग शेड्यूल वगैरह फाइनल करने में लगे हुए हैं। फिल्म में शाहरुख के अपोजिट दीपिका पादुकोण को कास्ट करने की चर्चा है, लेकिन पक्के तौर पर कुछ भी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। शाहरुख और दीपिका चेन्नई एक्सप्रेस, ओम शांति ओम और हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। वहीं वॉर की तर्ज पर ही पठान को भी उन लोकेशन पर शूट करने की तैयारी है जहां अब तक कोई भी फिल्म शूट नहीं हुई है, जो कि एक बहुत नई बात होने वाली है। लेकिन कोरोना वायरस ने पूरा प्लान खराब कर दिया है। इस फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2020 में शुरू होने वाली थी, लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है। पठान को अगले साल गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर 2021 पर रिलीज करने की तैयारी है। सिद्धार्थ की पिछली 3 फिल्में अनजाना अनजानी, बैंग बैंग और वॉर भी 1 और 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। पिछले दिनों ये चर्चा चल रही थी कि शाहरुख राजकुमार हिरानी की फिल्म में काम करने जा रहे हैं। वो खबर भी काफ़ी हद तक सही लग रही है। कनाडा में बेस्ड उस सोशल कॉमेडी को वहीं शूट किए जाने की प्लानिंग है, लेकिन फिलहाल उस फिल्म को आगे बढ़ा दिया गया है। अब शाहरुख का पूरा फोकस पठान पर है, क्योंकि इतने सालों बाद एक फिल्म आने वाली है, गैंगस्टर फिल्म ये होने वाली है, कमाल का एक्शन दिखने वाला है। तो शाहरुख की इस फिल्म का तो उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार हो रहा है।